Hi everyone, welcome back to my channel, that is Swamyajha Law in Veins. So in the last video we did about what is complaint and all the procedures regarding complaint and even three case laws related to complaint. If you want to see that video or go through that video, I'll add the link in the description box below. So in this video we will be discussing about inquiry, investigation and trial. We'll discuss what is the difference between inquiry, investigation and trial, and also one important case law regarding it, and basically what is inquiry, what is investigation and how both of these differ with each other. Okay, so first of all, inquiry is given under section 2G, okay, and investigation is given under section 2H. So basically we say that investigation is the first stage of any criminal proceeding, okay, a first stage, and inquiry is the second stage of criminal proceeding. Okay, now we'll see what are they. Okay, an inquiry relates to a proceeding held by a court or a magistrate. Okay, तो इंक्वायरी उस प्रोसीडिंग को बोलते हैं जो या तो कोर्ट के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है. प्लीज नोट दीज वर्ड्स, कोर्ट और अ मजिस्ट्रेट. एंड ऑन द सेम हैंड इन्वेस्टिगेशन, एंड इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू द स्टेप्स टेकन बाय अ पुलिस ऑफिसर और अ पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड by a magistrate for this purpose. मतलब investigation ऐसा procedure है जो police officer, taken by a police officer या फिर कोई भी person जिसको magistrate authorize करता है उस purpose के लिए act करने के लिए. Okay, an inquiry begins with interrogation rather than by inspection. Inquiry का जो procedure होता है वो start होता है interrogation. Interrogation मतलब by asking question और a set of questions पूछ के हम inquiry शुरू करते हैं rather than inspection. और investigation represents an attempt to uncover some unknown facts. मतलब एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन को हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम जो अननोन फैक्ट्स है, जो हम बेसिकली एविडेंस जो हमारे पास है उसको जानने के लिए अननोन फैक्ट्स को हम अनकवर करते हैं. ओके, सो एन इंक्वायरी एम्स एट, अ पर्पस क्या है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की. तो इंक्वायरी का पर्पस है, एन इंक्वायरी एम्स एट डिटरमाइनिंग द ट्रुथ और फॉल्सली और फॉल्सिटी ऑफ सर्टन फैक्ट्स. इंक्वायरी का बेसिक पर्पस या एम ये होता है कि जो हमारे पास फैक्ट्स है उसके हम ट्रुथ को या फॉल्सिटी को हम जाने कि वो कितनी सच्चाई उनमें है और कितना उनमें फॉल्सिटी है. ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है. तो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम एविडेंस कलेक्ट करें. जैसा कि आई टोल्ड यू ऊपर वाले पॉइंट में कि इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट करता है एक अटेम्प्ट जो कि जितने भी अननोन फैक्ट्स हैं उसको अनकवर करता है. ठीक है, और ये इन्वेस्टिगेशन का बेसिक प्रोसीजर यही होता है कि हम जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करते हैं और तब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि वो कितनी हद तक सच्चाई है उनमें और नहीं है. अब ये जो इंक्वायरी होती है वो जुडिशियल भी हो सकती है, नॉन जुडिशियल भी हो सकती है, बट इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो नेवर जुडिशियल. सो इंक्वायरी का जैसे हमने देखा इट मे बी जुडिशियल और नॉन जुडिशियल, बट इन्वेस्टिगेशन इज नेवर जुडिशियल. इट मीन्स कि इट कैन बी नॉन जुडिशियल ओनली. सो बेसिक पॉइंट्स कवर ये है कि सबसे पहला जो इंक्वायरी इट इज़ गिवन इन सेक्शन 2G, एंड ये सेकेंड स्टेज है बेसिकली. इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेक्शन 2H में है जो फर्स्ट स्टेज है. यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली कोर्ट और मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोसीडिंग्स की जाती हैं. यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट जिस भी पर्सन को ऑथराइज करता है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो पर्सन इन्वेस्टिगेशन करेगा. ठीक है, ये इंटरोगेशन से बिगिन होता है रैदर देन इंस्पेक्शन, और यहाँ पे हम अननोन फैक्ट्स को रिवील करते हैं. इंक्वायरी में हम एम करते हैं कि हम सर्टेन फैक्ट्स के ट्रुथ और फॉल्सिटी को जान सकें, और हम इन्वेस्टिगेशन में एम करते हैं कि हम एविडेंस को कलेक्ट कर सकें.
इन्वेस्टिगेशन हमेशा नॉन जुडिशियल होता है और जो इंक्वायरी होती है वो हमेशा जुडिशियल या नॉन जुडिशियल कुछ भी हो सकता है. काइंस अगर हम देख रहे हैं तो दो टाइप की इंक्वायरी होती है, हमेशा डिपार्टमेंटल होती है या फिर जुडिशियरी होती है. जुडिशियरी इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड बाई द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जुडिशियरी होती है. और डिपार्टमेंटल डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स अलग होती है, उनके थ्रू होती है. ओके, तो हमने अभी देखा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में. अब हम बात करते हैं ट्रायल क्या होता है. तो द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड बाय कोर्ट, कोई भी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कंडक्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा. अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, इंक्वायरी में हमने देखा था कि हेल्ड बाय अ कोर्ट और अ मजिस्ट्रेट, या तो कोर्ट के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा. और ट्रायल में क्या है, द जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय कोर्ट. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रायल स्टार्ट्स आफ्टर सबमिशन ऑफ चलान टिल अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट. ट्रायल कब शुरू होता है, जब जैसे ही हम चलान का सबमिशन कर देते हैं, टिल अनाउंसमेंट, जजमेंट के अनाउंसमेंट तक रहता है. ठीक है, इट इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग हुज पर्पस इज़ द फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्स. ये भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है जिसका पर्पस ये है कि हम फाइनलाइज करें ट्रूथ और फॉल्सिटी को. तो हमने देखा कि इंक्वायरी जो होती है वो जुडिशियल नॉन जुडिशियल दोनों हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो नॉन जुडिशियल होती है, एंड अगेन जो ट्रायल किया जाता है वो जुडिशियल ही होता है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ट्रायल और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में ये डिफरेंस है कि ट्रायल इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रोसेस. ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस ट्रायल होता है. सेकेंड प्रोसेस या आप कह सकते हो कि मतलब हमेशा ट्रायल से शुरू होता है. नेक्स्ट स्टेज या तो ये इन्वेस्टिगेशन होता है, सेकेंड और थर्ड स्टेज इज इन्वेस्टिगेशन, एंड द फाइनल और द लास्ट स्टेज इज इंक्वायरी. फाइनल और द लास्ट स्टेज इज इंक्वायरी. ओके, सो देर इज़ अ वन केस ऑफ सेक्शन 2G विच क्लियरली इन्वेस्टिगेट्स इंक्वायरी बिफोर द एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल एंड इज एन एक्ट कंडक्टेड अंडर CRPC बाय द मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट. ये एक एक्ट है जो CRPC के अंदर कंडक्ट किया जाता है बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट. ऐसा कहा गया था हरदीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में. डू मैंशन द केस गाइज, हरदीप सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2040 SC 1400. ओके, ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी नोटेड हेयर कि द थ्री टर्म्स, जो ये तीन टर्म्स है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये तीनों जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइम के स्टेजेस को या फिर क्रिमिनल केस के स्टेजेस को बताते हैं. जो फर्स्ट स्टेज है वो तब आता है जब कोई भी पुलिस ऑफिसर होता है वो ईदर ऑन हिज ओन, या तो वो खुद से या फिर अंडर ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, वो क्या करता है कि वो एक ड्रॉप प्रोसीडिंग से स्टार्ट करता है. ठीक है, बट If he is a has a different opinion, of different opinion, मान लो कि वो उसके opinions different है, तो वो क्या करता है कि वो उस केस को सेंड करता है मजिस्ट्रेट को, और तो सेकेंड स्टेज शुरू होती है. ठीक है, अ ट्रायल और एन इंक्वायरी, द मजिस्ट्रेट मे डील विद द केस हिमसेल्फ एंड या फिर वो कन्विक्ट या जो अक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज कर सकता है और एक्विट कर सकता है. बहुत सारे सीरियस ऑफेंसेस भी होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जो ट्रायल होती है बिफोर द सेशन कोर्ट होती है, विच मे इधर जिसमें या तो अक्यूज को या डिस्चार्ज और कन्विक्ट और एक्विट कर दिया जाता है अक्यूज को. तो दिस वॉज इन्वेस्टिगेट, ये था आपका स्टेजेस. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. इसमें हमने डील किया किन टॉपिक्स के बारे में, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल. क्या डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में, स्टेजेस क्या हैं, कौन कब स्टार्ट होगा उसके बारे में देखा. इंक्वायरी हमेशा याद आप रखिएगा कि इंक्वायरी एक वाइडर टर्म है ट्रायल से. इंक्वायरी हमेशा एक वाइडर टर्म होता है ट्रायल से, और ये हमेशा स्टॉप हो जाती है जैसे ही ट्रायल बिगिन. As soon as trial begins, inquiry stops. So do remember these things, and also remember the case law which I told you, Hardeep Singh was a state of Punjab. This is a very important case law. So I hope आपको ये video पसंद आई होगी. अगर आपको ये video पसंद आई तो please guys do like, share and subscribe. And for more update please hit the bell icon and stay tuned for next definitions. In the next video we will be dealing with some other definition. And then we'll continue CRPC in the next videos. Thank you so much for watching it. Stay safe, stay healthy. Thank you.